नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को मनीष तरड़ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। स्वागत करता हूं आपका। और जो पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज की जो ये वीडियो कवर करने के लिए पहुँचे हैं डंग डेयरी फार्म पर, आगे की जो प्रॉपर जानकारी है वो लेंगे अंकल जी के साथ। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। और आज की वीडियो में जो काफ़ी वाजिब प्राइस की भैंसें दिखाएंगे तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें जी। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, क्या हाल है बेटा? बहुत बढ़िया जी, अपने सुनाओ। बढ़िया चाहिए मनीष जी, बस भगवान की कृपा है। ठीक है जी। तो अंकल जी सबसे पहले अपना नाम और यहाँ का। मेरा नाम मनीष बताने की वैसे जरूरत नहीं है। हाँ जी, जो लोग जान रहे हैं वैसे नाम कालू भाई डंग डेयरी फार्म तेजेंद्रपाल सिंह, वैसे पक्का नाम तेजेंद्रपाल सिंह। हाँ जी। और जिला हमारा श्री गंगानगर, ठीक है, राजस्थान में हूँ। और तहसील पहले पदमपुर थी, अब गैसिंहपुरी हो चुकी है। हाँ जी। रहने वाला शहर गैसिंहपुर का ही हूँ। ठीक है। मेन है जो गसिंगपुर शहर के अंदर ही अपना फार्म है। अपने नजदीक बस मान लो पाकिस्तान का बॉर्डर, मानो बॉर्डर की भैंस ही है मेरे पास। ठीक है जी। जी भैया। और जिला अपने को गंगानगर लगता है, तहसील गसिंहपुर है, गांव भी गसिंहपुर है, और राजस्थान का एरिया। राजस्थान का एरिया जी। और अपने कॉन्टेक्ट नंबर जी? मेरा 9692779719, 9692479828। ठीक है। नमस्कार पशुपालक साथियों, क्या आपका पशु बांझपन का शिकार है, या वह बार बार फिरता है, या वह गर्भ धारण नहीं कर रहा? तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज से ही खिलाना स्टार्ट करें अपने पशु को राइटमीन। जी हाँ, राइटमीन के अंदर सभी पोषक तत्व A1 क्वालिटी के हैं, जो आपके पशु के शरीर को ठीक करके उसकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, जिससे आपका पशु सालाना बच्चा पैदा करता है। राइटमीन की पैकिंग 1 किलो, 5 किलो व 20 किलो की बाल्टी में उपलब्ध है। राइटमीन को आप सभी मेडिकल स्टोर और ऑनलाइन अमेजोन पर भी खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7890042000 पे संपर्क भी कर सकते हैं। और अंकल जी आज की वीडियो में क्या स्पेशल दिखा रहे हो जी? मनीष जी बस आज तो लोगों की सेवा करेंगे भाई, मन खुश हो जाएगा। दो कटिया फर्स्ट ब्यांत में है। हाँ जी। एक दूसरे में है। ठीक है। तीन भैंसे दिखाओगे और गाय भी दिखाओगे? गाय भी बहुत टॉप की, जो जिसकी जो जानता है ब्रीड के बारे और नस्ल के बारे में। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ब्यांत में 26-27 किलो दूध दिया है, अब दूसरे जने की 6 ही दांत है। ठीक है। फुल लाइट वजन की और जोटी कम से कम रेट की देंगे। आज लोगों का मन खुश हो जाएगा, अभी डंग साहब हमें दो हमें दो हमें दो। ठीक है। आज की वीडियो में कितने रुपए की दे दोगे जी जोटी? मनीष जी यहाँ से लेगा तो 60,000 की दे देंगे। हाँ जी। अगर ट्रांसपोर्ट लेगा तो भाई जो 65,000 की दे देंगे। ठीक है। 5,000 रुपए किराया लगी जाए, यही मान सम्मान है। और कटिया मैं कह रहा हूँ बुलबुल के बच्चे देंगे, हारी जरूर है। ठीक है, ताजी भी यही है जी। मैं कह रहा हूँ 1-2 दिन की, 1/4 दिन है, 1/6 दिन है। ठीक है, यही 2 से 6 दिन की? 2 से 6 दिन की है। तो अगर कोई भाई बाहर से पशु खरीदना चाहता है मनीष जी आए, अब तो बारिश खुल गई है, ब्यांत खुल गया है, माल मिलने लगा है जंगल में से। ठीक है। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा, किसान मांगता पहले अपनी भैंस का लाख लाख है, बाद में देने में आए तो 60-65 की भी दे देता है। सही है जी। ठीक है। हाँ, कटिया जितनी भी है साफ देंगे, किसी से चीटिंग नहीं होगी। अभी 2 के तो मानो 1 के नीचे 8 किलो है, 1 के नीचे ठंड चलते हैं, मानो 2.5-3 किलो टाइम का होगा। ठीक है। और 1 के नीचे अभी 11-12 किलो कच्चा दूध है। ठीक है। कहने का मतलब कि सभी है जो वाजिब प्राइस की? वाजिब, बिल्कुल वाजिब भाई। ठीक है। हाँ जी अंकल जी, सबसे पहले नंबर पर गाय दिखा रहे हो जी। मनीष जी एक हीरा है। हाँ जी। रेडन गाय है जिसको बोलते हैं ना, रेडन। ठीक है। वो है क्रॉस में है हल्का। ठीक है। साहिवाल क्रॉस है जी? साहिवाल और जर्सी क्रॉस में, बड़ी फुल, ये नहीं छोटी गाय, हाथी का बच्चा ही है। पूरी बड़ी गाय कैसे? बड़ी गाय है, फुल बॉडी स्ट्रक्चर तो इतना ही अच्छा है, मैं क्या बताऊं मनीष। सुंदरता मीठी इतनी, मैं क्या बताऊं, हर चीज में काफी परफेक्ट। मैं कह रहा हूं मनीष मन खुश हो जाएगा, कोई भाई लेगा ना, नसे देखो बॉडी के ऊपर बिल्कुल साफ साफ, एक एक दिखाई दे रही, एक एक नसे दिखाई दे रही है। लैम लंबाई देखो कम से कम 12 फुट की गाय है। ठीक है। मैं कह रहा हूँ 100 में से, मैं ठीक है धंधा किया है गाय का। हाँ जी। पर ऐसी गाय भैया 100 में से 1 निकलती है, लेके आएंगे अच्छी, लेके आएंगे बुरी, ले आने का फायदा नहीं है मनीष।
तो अंकल जी ब्याई कितने दिन की होगी? नहीं ब्याई नहीं है, अभी 10 दिन बाकी है मेरे भाई। ठीक है, ब्याने वाली है? ब्याने वाली है, ये तो कुछ भी नहीं है इधर। ठीक है, अभी 10 दिन कच्ची है, फुट बाई फुट का लगाए तो ठीक है, नहीं तो भाई छोड़ दे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो दूध कितना तक दे देगी? दूध पहले ब्यांत मालिक ने बताया 26 किलो दूध दे रहे हैं। ठीक है, 26 लीटर फर्स्ट टाइम में? फर्स्ट टाइम में 6 दांत हुई है। बॉडी स्ट्रक्चर देखो गाय का, काफी बढ़िया। मैं कह रहा हूँ अगाड़ी देखो, पीछे फुट बाई फुट पीड़ी के पावे वैसे हैं। सही है, ये नहीं है गुलाबी थन के अंदर है, गुलाबी थन है। सफाई देखो बछड़ी में, हर एक भी सभी के मन चाहिए गए हैं। सही है, हर एंगल में कहने का मतलब कि परफेक्ट है। मैं कह रहा हूँ मनीष, कोई डेयरी विषय के लिए किसी भाई का धंधा दूध का है, डेयरी वाला है, दूध बेच के अपना गुजारा करता है, सबसे बेटर गाय है। ठीक है, तो अंकल जी बेटर तब होगी जब रेट समझ में। मनीष मोल करवाने को 90 करवा लो, 95 करवा लो, 85,000 की हाँ और ना है। 85,000 घर पहुँचे? घर पहुँच देंगे, बड़ी फुल साइज गाय है। ठीक है, कोई भी भाई ले, तसल्ली करके ले, ये नहीं है भी वाके डंग साहब ने दिखाई है। भैंस के बरोबर खड़ी कर दो, भैंस छोटी लगेगी, गाय बड़ी लगेगी। सही है, क्योंकि गाय का कद है जो काफी बढ़िया, काफी मैं कह रहा हूँ मन खुश हो जाएगा कोई भाई लेगा ना। एक और है मनीष, ना तो ये गर्मी माने ना सर्दी माने, हर टेम्परेचर में जो सेट होने वाली गाय है। सही है, और अंकल जी इससे आगे एक और झोटी आ गई जी। मनीष जी दूसरे ब्यांत हैं। ठीक है, सेकंड टाइमर अंकल जी, ब्यांत है थोड़ा सा है जो ज्यादा ही लग रहे हैं। नहीं मनीष, क्योंकि पिछले ब्यांत भी ले रहे थे। हाँ जी, हमारा नहीं बना कोई सबब, नहीं हुआ सौदा हमारा किसी कारण। ठीक है, झोटी फेस क्वालिटी में तो बहुत ही सुंदर है। ठीक है, ब्यांत है जो ओरिजिनल, दूसरे है कोई तीसरे मानना चाहे तीसरे मान ले। ठीक है, नीचे की नवाब है। ठीक है, जो थनों का साइज है, ऑर्डर क्वालिटी। मैं कह रहा हूँ मनीष, 100 में से 1 भैंस के लगाओ तो ऐसा आंचल। सही है, और अंकल जी ब्याई कितने दिन की होगी? ब्याई मनीष जी आज 6ठा दिन है, आप 8 दिन की मानो 10 दिन की मानो। ठीक है, 6 दिन की ब्याई। ये बच्चा क्या दिया? बच्चा कटड़ा पीछे है, फुल लेंथ है, लंबेट है, जो जो चमड़ी है ना बेटर बांधे लगा, जो चमड़ी है ना मनीष। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ मैं वीडियो दे दूंगा कोई भाई लेना चाहे, बिल्कुल नॉर्मल घर से, गरीब घर से आई है और बिल्कुल पतली चमड़ी, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ मनीष, नीचे धरती को पूंछ लगती हुई, एक बेटा बांध, एक मनीष जो कहते हैं ना दूध की ब्रीड है जो। हाँ जी, वो हमारे जंगल की यही निशानी है। ठीक है, दाती सींग होगा, बिल्कुल कागज जैसी चमड़ी, एक तो नहीं आई है ना। हाँ, देख बिल्कुल रेशम जैसी चमड़ी है। ठीक है, तो नवाब है, तो दूध कितना तक दे देगी? दूध मनीष जी पहले ब्यांत वो तो कह रहे हैं अभी हम दूधते रहे 13 किलो। ठीक है, बाकी दिया भी होगा, भैंस अच्छी है, बिल्कुल कागज जैसी चमड़ी है। तो अब की बार कितना तक दे? अब की बार मनीष जी 14-15 किलो बड़े आराम से देना चाहिए भैंस को, जिस हिसाब से ईट रहे हैं। अभी हमारे पास कल ही आई है, हमने कल शाम को निकाला था इसका 5.5 किलो। और कीमत अंकल जी? कीमत मनीष जी मोल करवाने को 95 करवा लो, जो मर्जी करवा लो, 92,000 की घर पहुँच दे दूंगा। ठीक है, 92,000 रुपए की घर पहुँच हो जाएगी अंकल जी। मान सम्मान कितना? मान सम्मान कर देंगे मनीष जी, जैसे कहोगे आप कर लेंगे, 1,500 का 2,000 का कर देंगे। पर मनीष जी भैंस में कोई कमी निकाल दे, मैं भैंस फ्री दे दूंगा। ठीक है, हर चीज में जो काफी परफेक्ट है, भैंस दो कम बेच लूंगा पर किसी का उलाना नहीं लूंगा मेरे भाई। सही है, उलाना लेने का कोई फायदा ही नहीं, कोई भी साबित कर दे डंग साहब दूध रुका हुआ है, भैंस फ्री, गाय फ्री, जो भी अपने फार्म पे आएगा जब तक संतुष्टि हो जाए बंदे की तो देंगे माल। अब कल बड़ी भैंस थी, 4 टाइम मिल्किंग करवाई है मैंने। ठीक है, कितने दूध की? दूध भैया 20 था, मैंने कहा 18 पे पास करना, 18 के लीटर लगवाए हैं, और मेरे वाले चैनल भी गए, उसकी लाइव मिल्किंग दोनों टाइम की हुई थी। ठीक है मनीष, जो पैसा देता है ना मेरे भाई। हाँ जी, मन दुखता है हमारा भी किसी के साथ चीटिंग ना हो। भगवान देख, जो दुआ है ना वो देर से लगती है, जो बद्दुआ है ना मिनट में लगती है ऐसी। सही है जी। ठीक है, किसी का पैसा खाएंगे ना, हाँ ठीक है मैं माड़ा बुरा भी होऊंगा किन लोगों के लिए, पर मेरे को कोई लाना नहीं देगा भी, डंग साहब ने मेरे से दूध में चिटिंग की है। सही है, ये मैं दावा करता हूँ। हाँ एक भाई के थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रही है, प्रमाण जी के साथ थोड़ा सा मन मुटाव हो रहा है हमारा, चलो वो भी सेट है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं, पर किसी से चिटिंग नहीं करूंगा ना किसी का पैसा खाऊंगा। और अंकल जी इससे आगे दूसरे नंबर पर मनीष, ये तो भाई कोई लेगा ना। हाँ जी, डंग साहब के गुणी गाएगा। ठीक है, कौन से ब्यांत किए?
फर्स्ट ब्यांत मुंह में से खीरी। ठीक है अभी बिन दांत है, बिन दांत के दोंद के दांत उठा रही है अभी। ठीक है, कटिया के नीचे जो जुगाड़ लगा है ना, 100 में से एक भैंस के लगता है। सही है, मैं कह रहा मुठिया थन अगाड़ी देखो पड़ी, पिछाड़ी देखो पड़ी, ठोकर देखो भैंस की, हर चीज में। मैं कह रहा हूँ मनीष, एक बार दांत भी दिखाएंगे लोगों को, पता चलेगा भी ढंग साहब वाकई में सच बोल रहे हैं झूठ मार रहे हैं। दोंद के दांत उठा रहे, मिट्टी के भाव दे रहा हूँ आज तो। ठीक है, तो सबसे पहले रेट ही बता दो मनीष जी। 70,000 की पहुंच करवा देंगे घर। ठीक है, 77 की घर पहुंच, घर पहुंच। अगर कोई भाई यहाँ से खरीदेगा तो 72,000 रुपए यहाँ का रेट है। और मान सम्मान, मान सम्मान मनीष जैसे कहेगा भाई, 1,000 का कहेगा, 2,000 के कहेगा, तेरा फोन करवा दे 2,000 भी छोड़ देंगे, और बता। ठीक है, 3 छोड़ देना, 3 छोड़ देंगे और बता, तेरा फोन करवा दे। मैं मनीष ढंग साहब, मैं भैंस ले रहा हूँ, मनीष का फोन आ रहा है। ठीक है जी, मैं कह रहा हूँ मनीष ठीक है, भैंसे जरूर आई है मेरे पास। मैं ज्यादा बोलने लगूं बेटा, बांध के दांत दिखा पहले सभी को, पता चले वाकई में डंग साहब सच बोल रहे हैं झूठ मार रहे हैं। ठीक है भाई, दांत दिखा दे पहले, दांत दिखा, दोंद के दांत अभी उखाड़ रही है कटिया। प्यार से कर ले, ले देख ले भाई, कोई झूठ वाला धंधा तो मनीष करेंगे नहीं, भगवान का दिया बहुत कुछ है। ये देख लो, दोंद के दांत उठा रही है अभी। ठीक है, अभी दिखे नहीं, बाकी जो भाई खरीदेगा उसको दिखा देना। दिखा देंगे, कोई टेंशन नहीं, मेरे पास वीडियो भी पड़ी है। ठीक है दांत, मैं वीडियो दिखाऊंगा भाई उगाली करती की, अभी दोंद के दांत उखाड़ रही है। हाइट देखे यार मनीष, नॉर्मल हाइट की है, कटिया में जितनी भी कह लो ना, जितनी भी सफाई उतनी कम बोलने को है, साफ सुथरी पूरी है, हाइट नॉर्मल, हाइट नॉर्मल है भाई। कोई बड़ी बड़ी भैंस है, कोई जूम करके नहीं बनाई कटिया, जितनी भी कह लो उतनी साफ है मेरे भाई। वो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, और बच्चा साथ में क्या इसके, बेटा शायद कटड़ा है, मैं भी दिखा दूंगा नड़ो साथ, ये खड़ा, सॉरी कटिया। ठीक है, साथ में कटड़ी, ये रही, ये रुकी हुई, और थन चुकी भैंस का, ये वाली कटड़ी है साथ, भैंस का थन भीगी वो। और अंकल जी इससे आगे एक और जोड़ी दिखा रहे हो जी, आज तो लोगों के लिए गिफ्ट ही है ये तो। ठीक है, ये वाला गिफ्ट ही समझो, मैं कह रहा हूँ गिफ्ट, गिफ्ट का क्या क्या था, मैं कह रहा हूँ मन खुश हो जाएगा। ठीक है, नीचे देख भाव मिट्टी का। ठीक है, मिट्टी का भाव है मनीष। कौन से ब्यांत की है? फर्स्ट ब्यांत में है, बड़ी हो के बनी है, आप चाहे दूसरे की मान लो। ठीक है, जो ब्यांत लगे, पहला दूसरा, पहला दूसरा लगे, मेरे घर की नहीं है, पर वो उन्होंने बताया भी फर्स्ट ब्यांत में है, थोड़ी सी गरीब घर से आई है, पर नीली रावी में है, सफेद आंखें, नीचे जुगाड़ लगा है, 100 में से एक भैंस के लगा होता मनीष। सही है, वो भी पहले ब्यांत में इतना काफी कम देखने को मिलते हैं, शांत इतनी, मैं कह रहा हूँ मजा आ गया। बच्चा दिखा दे बेटा, पहले बच्चे दिखा दे रहे हैं इसको। ठीक है, कितने दिन की होगी ब्याई मनीष? आज दूसरा रोज है ब्याई को। ठीक है, दो दिन, ठीक है, कल मेरे पास आई थी, एक दिन हुआ था। ठीक है, बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मनीष क्या बताऊँ, बस एक ना टायर में पट्टे डाले हुए थे। ठीक है, जो टायर नहीं होता, टायर में दाना डाला हुआ था, आगे पूरी चारू इतनी है, मैं कह रहा हूँ मन खुश होता मनीष। कोई भाई लेगा ना, अपने को याद ही करेगा। तो दूध कितना तक दे देगी? दूध मनीष जी वैसे झूठ मार दूं, 14 दे देगी, 13 दे देगी, भैया 11-12 किलो बड़े आराम से देगी। ठीक है, पतली चमड़ी की है, बिल्कुल बारीक, जो ठोकर है लेवटी की सफाई है ना, 100 में से एक भैंस की निकलती है ठोकर ऐसी। सही है, बाकी मैं नहीं कहूंगा, कमेंटों में बताएंगे लोग, वाकई में नीचे की नवाब है। कोई सोचे ना, 1 रुपए का भी टाइम हो, भैंस फ्री किराया दूंगा साथ में, और कच्ची ब्याई हुई। और कीमत इसकी? कीमत मनीष जी 67,000 है, 65 की पहुंच करवा देंगे घर। ठीक है, 65,000 रुपये घर पहुंच है, और यहाँ का रेट 60,000 में भैंस यहाँ दे देंगे। ठीक और है, कोई भी भाई दूध पीने वाला ना, लोगों को लाना था भी, डंग साहब आप मेरे को रेट जायज में दो, बाकी और भी कोई गरीब घर हुआ ना, हाँ जी, तो अपने और 1,500 का मान कर देंगे, और बता। ठीक है, 60 वाली इधर दे देंगे, 59 में ही, 59 में, और बता मनीष कोई गरीब घर का हो ना। हाँ जी, ठीक है, कह दे मेरी मजबूरी है भाई, मैं भैंस रखनी है, मेरा दूध का धंधा करना है। हाँ जी, मैं 1,500 और छोड़ दूंगा, और बता। ठीक है, आज तो जो पूरा ऑफर ही है, मैं कह रहा हूँ मनीष देख मेरी भाव से आई है। हाँ, मैं कह रहा हूँ मेरे को 2-3 बन गया ना, मेरी संतुष्टि है। सही है, और अगला भी गुण गए, अगला भी गुण गए। अब मेरी बात सुन मनीष। हाँ जी, जो किराया है ना, हम बोल देते हैं 5,000। हाँ जी, 12 रुपए हिसाब से किलोमीटर से गाड़ी चलती है, नॉर्मल दिल्ली नोएडा शामली यहाँ माल जाता है हमारा ज्यादा, तो वहाँ का 12,500 किलोमीटर है, 12 का इंटू कर लो, 6,000 से ऊपर किराया बनता है, हम 5 ही लगा रहे हैं। अगर कोई किराया खुद का लगाएगा मेरे को 58 ही दे दे, और बता।
किराया खुद का लगाओ 58 58 ही दे दे मेरे को, मैं कह रहा हूँ फिर भी संतुष्ट हूँ मैं। सही है जी, क्योंकि मनीष जो किराया है ना ज्वाइंट में जाती है, अकेली जाए ना भैंस फिर तो नजदीक हो तो चलो बन जाती है बात, ज्वाइंट में जाती है अगला भी फिर बोलता है यार डंग साहब हम तो इतने लेंगे 6500 लेंगे 6200 लेंगे ऐसे करते हैं वो। सही है जी मनीष, मैं कह रहा हूँ भगवान का दिया सब कुछ है, पर मैं बार बार कह रहा हूँ जो भी गरीब बंदा लेगा ना मैं उसको भैंस दे दूंगा। ठीक है जी, तो जैसे मांगेगा ना वैसे दूंगा, दो टाइम तसल्ली कराऊंगा और दो दिन की भैया बच्चे के नाड़ुआ भी साथ में है। ठीक है, ये नहीं है बेटा खड़ा करना कटा। ठीक है, साथ में कटड़ा है, कटड़ा मैं कह रहा हूँ मनीष ये अभी बड़ा आप देख ले ये वाला बच्चा साथ में खड़ा करना, नाड़ुआ साथ में है अभी। ठीक है, ताजा ही भी है बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ मनीष झूठ वाला धंधा है, क्यों किस लिए करेंगे। सही है, ये रहा नाड़ुआ, ये देखो ताजा ही भी है बिल्कुल ताजा, ये उसका बच्चा है। ठीक है, जो दो नंबर पर जोटी, दो नंबर पर जोटी ये है उसका कटड़ा है। ठीक है, पहले नंबर वाली, पहले नंबर वाली का। ठीक है, और अंकल जी इससे आगे गाय दिखा रहे हो जी। मनीष जी गौ क्या भैया थोड़ा सा मेरे साथ हो गया था। हाँ जी, गाय मेरी खुद की 60,000 की खरीद थी। ठीक है, 75 की वीडियो लगी हुई थी, बिल्कुल अपने लगाई थी। लगाई थी, मैं कहा मान सम्मान कर लेंगे, मैं कहा कोई 5-4 बनेगा दे देंगे, प्लस इसका मर गया बच्चा। ठीक है, बच्चा मरी हुई है, बच्चा मरी हुई है, 13-14 किलो दूध है, मौके पे साहिवाल जर्सी क्रॉस में मीठी इतनी है चाहे वैसे ही बैठ जाओ। ठीक है, बच्चा छोड़ दे, बच्चा की कोई कोई परेशानी नहीं है मनीष, मेरी तो बहुत है, पर 55,000 की पहुंच दे दूंगा आज की कंडीशन में। ठीक है, 55,000 रुपए की घर पहुंच हो जाएगी, घर पहुंच कोई भी भाई लेगा, दो टाइम अपनी तसल्ली कर ले, 13 किलो दूध है, 14 हो तो लेना नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, और बता, और कोई 1 रुपए का भी टाइम हो गाय फ्री। ठीक है, 55 की घर पहुंच, मैं कह रहा हूँ इतना कह देता हूँ वीडियो उठा के देख ले ब्याई की लगी शायद गाबण की लगी हुई है। ठीक है, देख ले फिर मेरे से बात कर ले, ओनली फॉर 55 मान सम्मान भी कर दूंगा। ठीक है, 55 में मान सम्मान भी कर दूंगा, कोई भाई लेना चाहे, दूध के लिए अच्छी है, A2 मिल्क की है, पर बच्चा लगाने का तो बच्चा भी लग जाएगा मनीष। सही है, अपने वो काम करना, पर वैसा काम करना नहीं, बहुत मीठे स्वभाव की, अभी तो टाइम भी कुछ नहीं हुआ, पूरी फंसती है गाय, कोई लेना चाहे दूसरे ब्यांत की है संभाल कर ले, वापिस अगर देखे एक और है साल दूध पी ले। ठीक है, साल दूध पी के मेरे को वापस जितने की ले रहा उतने की वापस दे दे। ठीक है, 55 की रख लो, 55 की रख लेंगे, किराया उनका होगा। ठीक है,